नमस्कार एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम लोग को आगे क्या करना है अपने ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करना है, तो आगे हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। इस चीज़ को हम दो भाग में बांट सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि हमने बहुत पैसे खर्च किए पेरेंट्स के पढ़ाई में, तो अब हमें जॉब करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यही है कि आप नौकरी कर सकते हैं, यानी तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नौकरी करनी है तो आप कहाँ पे नौकरी करना चाहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब सरकारी में या आप प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, ऑब्वियसली आपको जो है एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को क्रॉस करना होगा, एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आपको पास करना होता है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं 3 राउंड कंडक्ट कराते हैं सिलेक्शन के लिए, कुछ लोग 5 राउंड, कुछ लोग 8 से 10 राउंड भी कंडक्ट कराते हैं। तो पहला राउंड जो भी हो, पहला राउंड चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए हो या निजी नौकरी के लिए, माय डियर फ्रेंड प्राइवेट नौकरी के लिए हो, आपको पहला राउंड जो है वो है लिखित परीक्षा, आई मीन टू से रिटन टेस्ट। ओके, तो रिटन टेस्ट, अब रिटन टेस्ट में ये लोग पूछते क्या है आपसे, क्या ये पूछते हैं कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, हमारे राजनीति में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। जो रिटन टेस्ट होता है इसमें ये लोग पूछते हैं आपको एप्टीट्यूड, अगर आप इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से हैं तो एप्टीट्यूड के साथ टेक्निकल भी पूछा जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में एप्टीट्यूड टेक्निकल के साथ इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो जो भी हो, एक चीज़ तो कॉमन है कि सब आपको एप्टीट्यूड पूछने वाले हैं। अब ये एप्टीट्यूड अगर हमें नहीं आती है, मान लेते हैं हमें एप्टीट्यूड नहीं आती है, तो इसका मतलब कि हम तो जॉब के लिए जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहला राउंड रिटन टेस्ट में ही एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। अगर हम जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं तो बिजनेस के लिए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है। आपको पता होनी चाहिए आपकी बिजनेस जो चल रही है, आपका जो व्यापार चल रहा है, इसमें आपको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, प्रॉफिट लॉस, तो ये कैलकुलेशन हमें नहीं पता है तो हम जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद हम जॉब या बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं, तो हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई आप कहाँ करना चाहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपको करना है वो आप कहाँ करना चाहेंगे, देश में या विदेश में। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। अगर आपको विदेश जाना है आगे की पढ़ाई के लिए तो आपको एक एग्जाम लिखना होता है कॉल्ड एज GRE के नाम से एक एग्जाम लिखना होता है, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ाई किए हैं तो। अगर आप कोई दूसरी स्ट्रीम की पढ़ाई किए हैं जैसे BA, BCom, BSc किए हैं तो आपको एग्जाम लिखना होता है GMAT, और ये GRE GMAT के साथ साथ आपको ये भी एग्जाम लिखना पड़ता है, वो है IELTS और TOEFL। IELTS TOEFL ये जो है, IELTS है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, एंड TOEFL है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये दोनों ETS कंडक्ट कराती है। लेकिन ये जो IELTS TOEFL है ये आपका सिर्फ वीजा अप्रूवल के लिए है। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो कंपलसरी आपको GRE या GMAT का स्कोर लाना होगा, और GRE GMAT एग्जाम पैटर्न में आखिर पूछा क्या जाता है, वहां भी आपको एप्टीट्यूड मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता है। नहीं सर, हमें तो आगे की पढ़ाई अब्रॉड में नहीं, विदेश में नहीं करना है, देश में ही आगे की पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको हमारे भारत देश में पढ़ाई करना है, इसी देश में रह के आगे की पढ़ाई करनी है, तो यहाँ भी आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे ISET, CAT, MAT, ZAT, ATMA, SNAP, NIMSET, LAWSET, PGSET, GATE, CLAT, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। और ये सारे एग्जाम, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में PG करना चाह रहे हैं। तो ये जितने भी एग्जाम हैं सब चीज़ में एक चीज कॉमन होगा कि सब में आपको एप्टीट्यूड पूछेंगे, लेकिन हमें एप्टीट्यूड नहीं आएगी तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्टीट्यूड लाइफ में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये एप्टीट्यूड है क्या, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, और ये सारे एग्जाम GRE GMAT जितने भी एग्जाम है ये कैसे क्रैक करना है मैं आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये चीजें, अगर आप इंजीनियर हो तो ये सारी चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कवर कर सकते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, और वो प्लेटफॉर्म है GATE। आपने सुना ही होगा GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये जो है टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम है इंडिया का, ये टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम है। टफेस्ट एप्टीट्यूड होता टेस्ट होता है CAT, और टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम है GATE। तो माय डियर फ्रेंड, गेट एग्जाम फिर अगर टफ है तो हम क्यों लिखें। नो डाउट ये टफ तो है, लेकिन इसके फ्रूट्स बहुत एक्सीलेंट है, इसके फल बहुत अच्छे हैं।
देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है, तो आप गेट के स्कोर के थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 150 से ऊपर के पीएसयूज हैं जो कि ऑलरेडी आईआईटी के साथ एमओयू साइन किए हैं, जहां पे आप गेट के स्कोर के साथ डायरेक्टली आप उस पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। नहीं, अगर आप ये जो पीएसयू मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएसयू सारे होते हैं, मिनी रत्ना कंपनी होती, महारत्ना होती, नौरत्ना कंपनी होती है। ये मिनी रत्ना, महारत्ना, नौरत्ना कंपनी क्या क्या है ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये सारी कंपनीज में आपको सीधा जॉब लग जाता है। नहीं, मुझे जॉब जो है सरकारी नहीं, हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में तो गेट स्कोर वैलिड नहीं है, लेकिन आप इसको वैलिड कर सकते हैं। कैसे? आपका जो फाइनल राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड, उसमें एचआर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। उन सारे क्वेश्चन में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन एचआर का ये भी होता है, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चे जॉब का इंतजार कर रहे हैं, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो आप उस दौरान जो है आप सीधा अपना गेट स्कोर निकाल के एचआर को दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा गेट स्कोर ये है। मतलब आप दिखा रहे हो एचआर को एक सर्टिफिकेट कि आप कितने ब्रिलियंट हो, कितने तेज हो, टेक्निकली आप कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि वो जो रैंक आपने लाया है वो आपने सिर्फ इंडिया के आपके कॉलेज के बच्चों के पास नहीं, आपने पूरे इंडिया के इंजीनियर्स को कॉम्पीट करके वो रैंक लाया है। तो रैंक जो है दिखा रहा है कि आप कहाँ पे खड़े हो, टेक्निकली आप कितने स्ट्रांग हो, तो आप जॉब कर सकते। नहीं, अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी, सेकेंड ऑप्शन, जैसे कुछ लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बाहर जाके भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं गेट के स्कोर के थ्रू। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है जो गेट को स्कोर के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं। नो डाउट जीआरई के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन गेट के स्कोर के थ्रू भी वहाँ पे एडमिशन होता है। नहीं, अगर आपको इंडिया में ही पढ़ाई करना है तो इंडिया में आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं गेट के स्कोर के थ्रू, हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। प्रीमियम इंस्टीट्यूट कितने हैं? आईआईटीज हैं, ट्रिपलआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, आईआईसी बैंगलोर है, नीटी मुंबई है, ये सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी में आपको बता दूं, आईआईटी पहले 7 आईआईटीज थे, अब और भी उसमें जुड़ गए हैं, अभी टोटल 15 आईआईटीज हैं। जैसे धनबाद, झारखंड में एक जगह है धनबाद, आईएसएम था, उसको भी उन्होंने न्यू आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, आप गेट के स्कोर के थ्रू ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे कवर कर सकते हैं, ये स्पेशली इंजीनियर्स के लिए। अब ये गेट एग्जाम जो है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूं। इसमें टोटल आपको 65 प्रश्न पूछे जाते हैं, 65 क्वेश्चन। ये 65 प्रश्न और इसका टोटल अंक, टोटल मार्क्स जो है ये इसका होता है 100, मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर है ये। 100 मार्क्स का पेपर, 65 क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ पे 2 मार्क के भी क्वेश्चन है और 1 मार्क के भी क्वेश्चन है। अब ये 2 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चन जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, मतलब अगर आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगा। अब ये जितने भी प्रश्न है ये सब एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको हर प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, और ये अगर आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलता है। मूविंग फर्दर, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस बार आईआईटी बॉम्बे ने आपको एमसीक्यू के साथ साथ 2021 के गेट से इस साल से इन्होंने ये भी इंक्लूड कर दिया एमएसक्यू। इस साल से ये लोग एमएसक्यू भी पूछ रहे हैं, एमसीक्यू तो पूछ ही रहे हैं, एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो एमएसक्यू भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, दोनों कंबाइन भी हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इस पेपर को अगर आप देखते हैं तो इसमें 70% 70% यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो आपके टेक्निकल फील्ड से होंगे। जैसे आप जिस भी ब्रांच से हैं, जैसे मान लीजिए आप सिविल ब्रांच से हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो 70% क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के ही आएंगे, जैसे सॉइल हो गया, माइडेफेन इरीगेशन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, 70% क्वेश्चन वहीं से आएगा। और रिमेनिंग 30%, बाकी के जो 30% क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश मैथ्स एप्टीट्यूड, मतलब नॉन टेक्निकल से आएगा। मतलब अगर हम मैथ्स को हटा देते हैं 15 मार्क्स, तो बाकी का जो 15 मार्क्स बचता है ये पूरा 15 मार्क्स आपका सिर्फ एप्टीट्यूड और इंग्लिश है। तो ये 15 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है गारंटी, तो हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। बाकी जगह में आपको कैसे वो स्कोर करना है वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये गेट कितना ही फ्रूटफुल है, कितना फलदायक है, और इसके एग्जाम के पैटर्न क्या है। बाकी और भी डिफरेंट एग्जाम के आगे वीडियो मैं डालता रहूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।